घर चल तो घर खाइए घर चल समस्तीपुर जिले में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर की सड़कों को सुबह ही चकाचक कर दिया था। इससे कल तक जहां गंदगी का ढेर था वहां चकाचक सफाई थी। नगर थाना के पास का दृश्य भी बदला बदला नजर आ रहा था। अमूमन जहां कचरों का ढेर रहता था वहां की सड़कों पर सफाई दिख रही थी। सड़क के दोनों ओर चूना का भी छिड़काव किया गया था। मुसरी घरारी से लेकर ओवर ब्रिज तक और निजी बस स्टैंड से लेकर ताजपुर रोड तक की सड़कें चकाचक होने के साथ मरम्मत भी कर दी गई थी। मुख्यमंत्री के आगमन व कार्यक्रम को लेकर शहर में लगभग सभी चौक चौराहों पर प्रशासन ने सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की थी। मुसरी घरारी से कलेक्ट्रेट होते हुए दरभंगा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह रोक दिया गया था। इससे सड़क पर पूरी तरह से नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ प्रशासन की ही गाड़ी सड़क से गुजर रही थी। कलेक्ट्रेट परिसर में भी किसी के जाने पर रोक लगा दी गई थी। यहां तक कि किसी अधिकारी के वाहन के भी परिसर में जाने पर रोक थी। कलेक्ट्रेट के सामने स्थित सरकारी बस पड़ाव में सभी अधिकारी के वाहनों के लिए पड़ाव स्थल बना दिया गया था। इसके अलावा कर्पूरी बस पड़ाव में सन्नाटा पसरा हुआ था। अमूमन बस स्टैंड से हर रोज सैकड़ों बसें व छोटी गाड़ियां खुलती है, लेकिन गुरुवार को बस स्टैंड खाली रहने के कारण दूर दराज से आए लोगों को काफ़ी परेशानी भी झेलनी पड़ी। खासकर पटना जाने वाले लोगों को सवारी गाड़ी न मिलने के कारण उन्हें सड़क किनारे सामान के साथ खड़े देखा गया। वहीं महिलाएं व बच्चों को पैदल ही मुसरी घरारी की ओर जाते देखा गया।